शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट बॉलिंग एक्शन दिखाने के लिए तैयार। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि वो अब खेलने के लिए मुकम्मल तैयार हैं और फिटनेस के लिए तमाम ज़रूरियात मुकम्मल कर ली हैं। शाहीन अफरीदी ने ट्रेनिंग के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब मुझ में इस तरह की एनर्जी है जैसे श्रीलंका में इंजर्ड होने से पहले थी। मैं इस तरह भाग रहा हूँ और पहले की तरह बॉलिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए समझता हूँ कि मैंने तमाम ज़रूरियात मुकम्मल कर ली है और अब हर तरह से खेलने के लिए तैयार हूं। मैं PSL में एक्शन में होऊंगा। कौमी क्रिकेटर का कहना था कि इंजरी के बाद तवील वक्त के लिए टीम से बाहर रहना मुश्किल था। कभी कभी ये भी जहन में आता था कि इंजरी से बाहर निकलने के लिए अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकूंगा। मैंने अपने लिए गोल मुकर्रर किए हुए हैं और इसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। इन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में टीम को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने खेलने का फैसला किया। वर्ल्ड कप में भी अगर मैं इस तरह भागता जैसा अब भाग रहा हूं तो नतीजा मुख्तलिफ होता। मेरा यही होता है कि मेरी टीम को जब भी ज़रूरत होगी मैं तैयार रहूंगा। शाहीन का कहना था कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज को बहुत मिस किया। ख्वाहिश थी कि मैं होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेलूँ। टीम ने होम सीरीज में अच्छी कोशिश की लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। मैं भी होता तो ज़रूर टीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करता कि टीम अच्छा करे। ख्याल है कि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में अपने रिहैब के सिलसिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो घुटने की इंजरी का शिकार थे।